नाइट वॉक पे हम जा रहे हैं। नाइट वॉक पे हम जा रहे हैं। ये देखिए, रात को खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा वॉक करनी चाहिए और धीरे धीरे करनी चाहिए। बहुत तेज़ जो वॉक होती है वो सुबह करनी चाहिए, और जो हल्की हल्की जिसे हम कहते हैं कि वो कदमी उसे नहीं करना चाहिए। ये देखिए इतनी ख़तरनाक है आग, प्लीज़ यहाँ से जल्दी से भाग। कैसी चाय दी है? आग और भाग, व्हाट हैपेंड देयर? मेडिकल स्टोर कितने जल्दी यहाँ से चलो, वो खुला है आज घर वाला। हाँ, ज़्यादा बड़ा भी है, सारी दवाएं रहती हैं उसके पास। कैसे रोड को ब्लॉक किया दो लोगों ने। गया हूँ 2015 में, 2015 में गया था, मुशायरा था उसमें। अरे भाई, वोगली बोस 0.2। दो रुपये भैया इनके पहले के बाकी ऐड करने, 2 रुपये एक मिल रहा था तो मुझे याद आया अचानक। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो शायद दवा ना मिलती मुझे। दुकान बढ़ा रहे हैं ना आप? वोगली बोस 0.2 QR कोड है, यही है ना, वोगली बोस 0.2 कितने की? 162 दे दिए 2 रुपए पहले के। भाई 2 रुपए आपके रह गए थे, आज आया हूँ तो याद आया। अरे 2 रुपए तो ऐसे छोड़ देते हैं। नहीं, इन्होंने भाई ने कहा था कि अगर आना तो दे जाना, ऐसे कहा था। तो 2 रुपए तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन जो नहीं, कोई बात नहीं, फॉलो करार की बात होती है ना, फॉलो करार। चलो भाई और कुछ लेना। तो हुआ था मुशायरा, और मुशायरे में आए थे फिर बढ़ जाएगा, और जल्दी से तुम्हें बहुत कंट्रोल कराना पड़ेगा फैट। देखो सद्दू कोई मदद नहीं करता है यार बुरे वक्त में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। बुरे वक्त में चंद ही लोग होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई एडवर्स कंडीशन होगी तो जितना हम कर सकते हैं करेंगे, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, मतलब जितना भी आदमी आस्पेक्ट होते हैं हेल्प करने के, जितने आस्पेक्ट होते हैं, लेकिन और नहीं करते हैं लोग। पापा कर रहे हैं, पापा
पापा जिस्मानी अब नहीं कर सकते, जब छोटी होगी तुम तब करते होंगे बेचारे तुम्हारे लिए पैर भर रहा। हाँ एम्बुलेंस अगर आ रही हो तो उसको साइड देना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। चलो आप रोड क्रॉस करते हैं, पकड़ो मुझे। सारी आज से फास्ट फूड बंद, पैसे भी बचाएं, सेहत भी बचाएं। कहीं नहीं, पापा ने क्या कहा यार, मानते नहीं हो, खाते चले जाते हो, फीलिंग खराब हो गई हो। हमने कहने खुशी है तो क्या हुआ, तो कॉमन बात है। कहने अरे यार तुम्हारा जो कुछ भी है। अस्सलाम वालेकुम, अरे सब भाईजान क्या हाल है। तो जिंदगी भर माँ को नहीं पूछ, अब अम्मा का इंतकाल हो गया है, अब अम्मा का इंतकाल हो गया है तो मोहब्बत दिखा रहे हैं उस पर, तख्ती पर लिख रहे हैं आह अम्मा। और 2 साल बाद पूछो कि अम्मा की कब्र कहाँ है तो कहते हैं शायद उस कब्रिस्तान में। कॉमेडी है, कहते हैं कि कॉमेडी है कि स्वयं कर रहे हैं और स्वयं में क्या पकी है, फिश फ्राई, चिकन कढ़ाई और प्रॉन्स। और पूछो तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें अम्मा को बहुत पसंद थी। साले बेईमान धोखेबाज मक्कार। मेरा तो जी चाहता है जूते उतार के। लेकिन उनका विरोध सबसे ज़्यादा हुआ, कोई इत्तेफाक नहीं किया किसी ने, सब ने उनको डिनाई कर दिया। तो शहजाद साहब कह रहे हैं अगर यकसानियत आ जाएगी, जो बातें कही जा रही हैं सब लोग मुत्तफिक हो जाएंगे, तो फिर उसमें बहस की गुंजाइश नहीं रहेगी। और सही बात है, कोई आदमी कहे भाई दिल्ली कैपिटल जो है, दिल्ली के हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली है, अब इसमें क्या बहस होगी। कोई ऐसा टॉपिक आपने बताया कि मिसाल के तौर पर किसी ने कहा ज़िंदगी क्या है, किसी ने कहा ज़िंदगी जो है अपनी स्किल्स को निखारने का अमल है, यानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है। अब दूसरा आदमी अपनी बात कहेगा, यानी जिस चीज़ में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है उसमें कोई बहस थोड़ी होगी। अच्छा ये लफ्ज़ बोलना कैसा सही है, अब सही है या गलत, ऑब्जेक्टिवली सही है, इस्तेमाल सही है गलत, हमारे उस्ताद ने इस्तेमाल किया था। नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव होता है ना, उससे ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो ऑब्जेक्टिवली बोल रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिवली की जगह, यानी समझ रहे हैं आप। यार इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो दो अपोजिट वर्ड हैं। इतनी महंगी क्यों दी, बढ़ गया होगा रेट ना। नहीं नहीं ये जीलैप से, अरे वो अप टू होता है, कोई एक मेडिसिन होगी, देख लो जीलैप है, फार्मेसी है, टैबलेट 1 mg है, कई शॉपिंग ऐप हैं उसके। ये देखे चांद हमारा, चांद कितना है भोला वाला, इसके घर में नहीं है ताला, कल तो चमक रहा था बहुत चांद, चल कल रहा था चांद चमक, कहाँ चली गई आज वो दमक, किसके यहाँ से, अंकल के यहाँ से अगर लाओगे चने की नमकीन तो नाश्ते पर चाय हो जाएगी हमारी और हसीन। आंधियों के इलाके में मत लगाओ टीन, वरना किसी का हो सकता है, वरना
किसी की का सुकून हो सकता है। प्लीज मत किसी का तू सुकून छीन। आ रही है रात रानी की खुशबू, प्लीज बता दो अगर मैं पूछूं, अगर मैं सवाल पूछूं, अगर मैं सवाल कहूं, पाइथन का हो रहा है एड। हाँ, यानी ये कोर्स है बहुत ग्रेट। जल गया, कोई बात नहीं है। कितनी रात रानी की खुशबू आ रही है भाई। जिंदगी का नाम क्या है? जिंदगी एक तमाशा है, हर तरफ क्यों ये निराशा है? जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, सबको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जिंदगी एक तमाशा है जिसका पड़ा सबको एक तमाचा है। ओह, भीड़ तो कम है, ले लो। देखो भाई, देखो चटपटा मसाला। फर्क क्या है इसमें? चटपटा मसाला ही ले लेते हैं। तो एक ले लो भैया, पैसे बचाओ। पैसे बचाइए। हमें साइकिल की दुकान खोलनी है, तमाम काम करने हैं। आ जाओ, और कुछ लेना है? चलो आओ, ये कर दो जरा। लो भैया, कितने की है भाई? ये 48 है ना भाई? बेटा कह रहा मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। हमने सब क्या ठीक है, मैं नहीं आती मेरे सारे सबको बता दी, सब पूछ रहे थे कि यार आप कहाँ देख रहे हैं। दुकान पे आदमी पूछता ना भैया कहाँ, वो नहीं पा रहा है इससे। जी करिए स्कैन दोबारा, करिए स्कैन। तो हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है। रुक जा भाई, आ जा भाई, आए तो आ गया। इतना ऊपर ऊपर किया तब आया है। अरे भाई तुम अपने आप को सर्वर लगाओ। अब कहेंगे पापा 116 की दवा थी, ये इतनी महंगी कैसे हो गई? शाम एक तो सस्ती लाता था, यही कहेंगे। कैसा चीखा है बाबा ने, ऐसा चीखा था जब मैंने तारिक भाई की बुराई की थी। जा रहे हैं घर छोड़ के और कमेंट कर रहे हैं, उस टाइम तो ऐसा माहौल था ना। अरे मैं आदि नहीं इन बीमारियों का। शाम में कोई आज तक नहीं चीखे इतनी जोर से, इसकी वजह क्या है? और आपने सब लोगों का एक एक फुल स्टॉक है, मेरा तो फुल स्टॉक ही नहीं है। कह रहे हैं तुम्हारे बाप का घर है, तुमने कहा तभी तो कह रहे हैं। उसमें क्योंकि वो गुस्से में ऐसे बोला जाता है कि प्रॉपर्टी मतलब बाप का मतलब तुम ऑनर हो क्या उसके? तो तुमने कहा हाँ, तो कह रहे नहीं मेरा है, तो कह रहे वही तो मतलब है। थोड़ा और टहल टहलेंगे, सामान रख लो। सामान रख के आओ, आज खेलेंगे बैटबाजी। सामान रख के आओ, ये भी लेते जाओ। ये दोनों लाइए, पर्स लाइए।
पर्सनली यार एक फूल लगा हुआ, पहले कितने फूल लगे थे इस बगीचे में, पूरा सुनसान हो गया है ना। हो गया है सुनसान ये बगीचा, हो गया है सुनसान ये बगीचा। जिंदगी क्या है, पल भर का तमाशा है। जिंदगी क्या है, दो मिनट की मुस्कान है, जो मुस्कुराए उसकी ज़िंदगी आसान है। क्या हमारे शेरों में कुछ जान है, सच बताना अगर तुम्हारे दिल में ईमान है। अच्छे स्पीकर बन जाओगे, क्या तुम्हारे पास अच्छा कान है। हमारे इन शेरों से हर छोटा मोटा शायर परेशान है। अरे भाई अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ, आखिर तो क्या नादान है। आज पीते हैं हल्दी दूध, अभी मैं वो खा के आ रहा हूँ, रुको क्या आता हूँ, एक मिनट रुकी है। अरे वो ताला गया ना, मैं लगा दूंगा आराम से, टेंशन मत लीजिए आप। गाड़ी लगा गेट खोलने के लिए, सलाम वालेकुम मैं खोल रहा हूँ, रुकिए आप। चलो भाई बैतबाजी शुरू कर दे, बंद कर दो।
तो कुछ आज कर और करते हैं, आज सब दिमाग को रिलैक्स, सवाल जवाब करते हैं। नहीं आप फायदे बताइए हल्दी दूध पीने से, क्या फायदा? तो ये तो पढ़ा नहीं हमने, आप ही बता दिए। क्यों, हल्दी के जो फायदे होंगे और दूध के जो फायदे होंगे वो हल्दी दूध जब पियेंगे तो देखो दूध तो एक संपूर्ण आहार है, मतलब अगर किसी इंसान को दूध मिल रहा है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसमें। एम आई करेक्ट? संपूर्ण आहार का मतलब जितने पोषक तत्व हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पोषक तत्व को, न्यूट्रिएंट। हाँ, जितने न्यूट्रिएंट हैं, जैसे दूध जो है कहा जाता है मतलब बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो वो ख़त्म होगा। हल्दी जो है वो हड्डी में दर्द के में फ़ायदा करता है, तो और भी कोई तरीके के पूरे बॉडी में दर्द है, सूजन है, दर्द सूजन उसको ख़त्म करेगा। और ऑब्वियसली दूध जो है वो आपको न्यूट्रिएंट्स देगा, और हल्दी जो है वो आपका मेडिसिनल उसकी प्रॉपर्टीज काम आएगा। हाँ, तो यानी हल्दी दूध मिला के एक अच्छा कंपोजिशन तैयार हो जाता है, कहते हैं गोल्डन। हल्दी दूध मिला के जब पियेंगे तो क्या पियेंगे हम, गोल्डन मिल्क, सुनहरा दूध। जैसे जैसे किसी को चोट वगैरह कुछ लगी हो तो लोग सिर्फ हल्दी ही लगा देते हैं, इतना सब सिस्टम थोड़ी पता है कि दवाएं और वो सब उससे भी ठीक हो जाते थे घाव वगैरह। तो अगर किसी के बॉडी में कुछ घाव वगैरह है, कहीं पर भी चोट वगैरह है, कोई रिकवर कर रहा है ऑपरेशन वगैरह से, उसमें भी तो बहुत फायदा कर रहा है। और दूध जो है साथ में ताकत तो और बिगड़ रहा है। दूध पोषक तत्व संभाल लेगा, और हल्दी जो है दूध पोषक तत्व देगा, और हल्दी क्या हड्डी सूजन। हाँ, मुझे याद आता है किसी के चोट वोट लग जाती है, जैसे किसी की चोट लग जाती तो हल्दी उसको लगाई जाती थी, ये चीज़ तो मैंने देखी है कई बार। अरे सुनो, तुम काम करते हो कहीं? काम मांगते आता है काम करना है? चलो बात कर लेते हैं, इधर आ जाओ, काम करना आता है यहाँ, बदलू आ रही जब तुम काम उधर बढ़िया थी, अच्छा इनसे बात कर ली, हाथ पैर तो हैं तो पीछे तो बढ़िए मांगती रहती हो। अरे पीछे तो बढ़िए, यहाँ वो आ रही है बदबू आ रही है, पीछे बढ़िए खड़े हुई है। हाँ बात करिए, जब हाथ पैर तुम्हारे सही से लाना तो क्यों मांगती क्या करे, मैं मजबूरी में मांग रही हूँ। मजबूरी क्या है, तुम्हें काम करो ना इज्जत से। काम करेंगे तो काम करके 1000 रुपया एक महीने में मिलता है, बच्चे दो बच्चे पर रहा है, हमारे मियाँ भी मार रहे हैं। और उस पैसे कितना मिलता है? मांग लेते दिन भर में 200-250 बताइए। इतना तो हम भी नहीं कमा पा रहे दिन भर। हाँ तो हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, PhD कर रहे हैं, लेकिन कितने रुपए कमा रहे हैं? 50 रुपए 100 रुपए। वालेकुम सलाम। अरे आप कहाँ हैं? हमारे यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ। आप तो रिक्शा चला रहे थे उस टाइम, शायद तिर्री आप टिर्री चला रहे हैं, पहले रिक्शा चलाते थे? पहले रिक्शा चलाता था। हाँ ओखला में भी चलाया शायद, आप बता रहे थे आप थे ना ओखला में चला। अरे इतना दूर तो प्रयोग टिर्री खुद ही तो आई हो, क्या कह रही? कह रहे इतने दूर नहीं आ पाएंगे, और मांगने के लिए आ सकते हैं, काम नहीं, इन लोगों की आदत भी पड़ गई, मांगने के लिए आ सकते हैं और काम बताए तो कह रहे नहीं इतनी दूर नहीं आ पाएंगे। ये भाई को देखो टिर्री अब चला रहे हैं, कैसा चल रहा काम देखो, ये सर्वाइव कर गए, ये वही है जो बैठे रहते थे जो हम। अरे क्या मांगते रहते थे, पैर में चोट जिनके लगी थी इन्होंने टिर्री चलाई, अब शायद पता नहीं क्या चला रहा है। ये जो है ये हाँ। बहुत हुआ, अगर हुए तो कितने होगा महीने? 250-250, इसीलिए बल्कि इसको तो बुरा लगता होगा, 6000 रुपये होगा महीने के, 6 से भी प्लस, 250 का मतलब 7500 रुपये, 6-7 हज़ार राउंड फिगर में। बहुत है भैया, वो तो 3 टाइम खाना बनाती तब उसको मिल रहा है तब ऐसा, उसके पास उसका जो लेबर है बताइए, इसका कोई लेबर नहीं है ऐसा। अब ये भी कह, अब यार ये तो कोई बात नहीं, तो फिर ऐसे तो
डकैत भी अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा, चोर भी कर लेगा। क्या क्या होती है, दिमाग लगाना पड़ता है, चोरी करने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। नहीं भाई, चोरी वोरी को बचना पड़ता है, कभी भी नहीं कर सकते। चोरी करने के बाद तो वो जो नींद ही नहीं आती होगी कि कब पुलिस आ जाए। हाँ तो देखो, वो तो तुम्हें सुकून चला गया और मेहनत अलग गई, क्योंकि मेहनत भी इलीगल है। पकड़े गए तो ठीक, नहीं पकड़े गए तो मरने के बाद जवाब देना है, और पकड़ लिए गए तो यहाँ भी पिटे वहाँ भी पिटे, और नींद अलग ख़राब हुई। क्या समझे? अरे तुमने क्या काम, क्या काम बताया था तुमने? हमारे कर लो काम है। नहीं, पापा रखेंगे नहीं, फायदा क्या? कह दिए ना, अब दस दिन के वो खिली थी, क्या करें? यार दिया दिन सामने रात रानी का फूल लगवा रखा है। फूल कैसे लगता है और कहाँ मिलता है? तो ये बताओ, रात रानी लगाना चाह रहे हैं, क्या छत पे लग सकता है बाहर? हाँ तो मिलेगा माली तो कहेंगे कि पापा कह रहे हैं आके बता दिया करो कि हम आए हैं। पापा से करवाते हैं पेंट, हाँ फरवरी में तो हम जामिया में भी गए थे, खूब लगे हुए थे वहाँ फूल। यार रजिस्ट्रार्ड को भी रहने के लिए घर मिलता है, मतलब यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रार होता है ना। नहीं वो तो अंदर ही सारा है, लेकिन यहाँ अलीगढ़ में तो अलग अलग है। एमयू में अंदर भी तो अलग अलग होगा, वो तो बाहर लिखा हुआ है मेन गेट पर। अच्छा तो तीन लोगों को मिल जाता है रहने के लिए पक्के से, एक तो वाइस चांसलर, वीसी, प्रो वीसी और रजिस्ट्रार, और प्रॉक्टर को भी। प्रॉक्टर को नहीं मिलता, वो प्रॉक्टर गाड़ी मिल जाती है। अब प्रॉक्टर गाड़ी तो सारे एचओडीज के पास भी होती है, मतलब वो चाहे तो बुला सकते एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ लेकिन प्रॉक्टर एकदम प्रोस्ट की तरह है, प्रॉक्टर के पास हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि फौरन भागना पड़ सकता है ना कहीं भी। रजिस्ट्रार और वीसी के पास गाड़ी खड़ी, लड़कियों के होते हैं लोग काम करते हैं गाड़ी। ये बताओ लड़कियों के हॉस्टल में तो किसी टाइम भी जाना पड़ता हो तो चक्कर अक्कर आ जाता है, तमाम बीमारियां होती हैं। और टहलो आज कम, तो यहीं पे हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, आइंदा मिलते हैं।